तो ये जो इमाम महदी के साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जमा हो रहे हैं, तो ये जो 313 साथी हैं जिनको फिर कोई फितना नहीं पहुंच सकेगा, जिनको पहले वाले उनको पहुंच नहीं सकेंगे और बाद वाले उनको पाएंगे नहीं, और वो लोग जो बहादुर लोग होंगे जो किसी से डरेंगे नहीं, किसी की खुशामद में नहीं आएंगे, ना किसी के देने से खुश होंगे, ना किसी के किसी चीज़ के छिन जाने से डरेंगे, उन साथियों को अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इमाम महदी के गिर्द जमा कर रहा है। अल्लाह ताला ने बोनस सेल लगा दी है, पूरी उम्मत के सामने एक हक सामने आ गया है कि भाई जिसको तौफीक है, जो ये ओपन सेल एक ओपन सीक्रेट है, हर एक के सामने पड़ा हुआ है, ये हक है, जिसको चाहिए आकर ले लो, लूट सेल लगी हुई है, कोई इसकी प्राइस नहीं है अल्लाह ताला की रहमत की कि जिसको चाहिए आकर ले ले। लेकिन अगर इस बोनस और लूट सेल को भी आके कोई नहीं लेता, इस मुफ्त की रहमत को और इमाम महदी के अवलीन साथियों में शामिल होकर अफजलुल शुहदा और फितनों से पाक लोगों में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसकी अपनी बदकिस्मती है। और बाज़ तो बदनसीब ऐसे हैं कि अबू लहब की तरह गालियाँ देते हैं कि जैसे अबू लहब ने कहा था कि तबका या मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया था कि तब्बत यदा अबी लहब, ऐ अबू लहब तू तबाह हो जा, तेरे हाथ टूटे। तो इमाम महदी को भी यही दिखाया गया है कि जो लोग मोहम्मद कासिम को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, बदजुबानी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, अगर वो तौबा भी कर लें तो क़्यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ऐसे गरेबान से पकड़ कर झंझोड़ते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे के बारे में ऐसे अल्फाज कहे। तो जो लोग ऐसे बातें कर रहे हैं उनको, उनके लिए वार्निंग है। और बाकी जो लोग इंतज़ार में हैं, वह फ़ौरन इस्तखारा करें, इस लूट सेल में शामिल हो जाएं, इमाम महदी के साथियों में शामिल हो जाएं, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। और ये एक सिलसिला है जो आप देखेंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने इमाम महदी के इस पहले जलसे में शिरकत की है, उन्होंने फिर अपने तासुरात का भी इजहार किया है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि हम कैसे इस हक तक, खैर तक पहुँचे, हमें कैसे पता चला कि ये यही हक है और यही इमाम महदी होंगे। तो ये एक पूरी सीरीज़ है जो आप देखते रहेंगे, वन बाय वन हम आपको मुख्तलिफ़ इमाम महदी के जो 313 साथी शामिल हो रहे हैं उनकी जो राय है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका होस्ट साकिब अनायतुल्लाह, हमारे भाई नूर जमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनसे भी वही सवाल करेंगे जो सिलसिला हमने लोगों के साथ एक जारी रखा हुआ है। नूर भाई, सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों तक आप कैसे पहुँचे और आपने कैसे यकीन किया, ये थोड़ा सा बस ज़रा पहले बता दें। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझसे इंटरव्यू ले गया, अरे अंदर के ख्याल तो बारा गया था। दूसरी बात ये कि सबसे मेरे एक दोस्त है जिसका नाम मोहम्मद उमर है, ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, उससे पहले मुझे पता भी नहीं चलता, मैं उसके साथ वो बेचता था महीने में तकरीबन एक बार, उस रुपया की वजह से एक बार महीने में या तीन महीने में मिल जाते थे। पहले जो हम बातें करते थे कारोबार के हवाले से करते थे, दूसरी चीज़ों के हवाले से करते थे, फिर एकदम इसकी जहन में चेंजिंग आ गई, वो ये कि हमेशा वो मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में अच्छा माशाल्लाह किया करता, वो मुझे दिखाया करता था, यूट्यूब वीडियो दिखाया करता था ना, फिर मुझे ये कहा करता था कि आप इस्तखारा कर लें। अच्छा, मुझे कहा, ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। तो इस्तखारे में मैंने बहुत सी चीज़ें दी, एक तो ये था कि जहाज़ देखे थे, वहाँ पर आए थे, लड़ाई भी थी। अच्छा, जैसे मैं सुबह उठा खुशी भी थी, कुदरती मेरे मुंह से निकल गया कि मोहम्मद कासिम सच्चा, कुदरती अच्छा, मेरे मुंह से निकल गया माशाल्लाह। दूसरी बात ये थी कि मैंने फिर देखा कि मैं ये सोच रहा था कि दूसरे लोगों को भी बता रहा था तो लोग यकीन नहीं करते थे, इस वजह से कि ये क्लीन शेव बंदा है, अच्छा शर्ट पहनता है, ऐसे लोग अच्छा ठीक है। मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का बयान देखा, उसमें साफ बयान हुआ था कि जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे वो जो होंगे वो आलिम नहीं होंगे, आम शख्स उसके आम शख्स होंगे, उसकी सिस्टम जो है उसको इलम अल्लाह ताला एक ही रात में इस्लाह कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, फिर मैंने यकीन कर लिया कि ये बिल्कुल सही बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नूर भाई, इसमें इनके ख्वाबों में आपने क्या ऐसी बात देखी कि अलग ख्वाब क्यों है इनके, ऐसे क्या बात है इनके ख्वाबों में?
मतलब मैंने अलग ख्वाब इस वजह से मैंने महसूस किए थे कि जो बातें वो करता था वही हो रहा होता है, यकीनन वही हो रहा होता है। ठीक है, अभी आप देख ले पाकिस्तान में मजहबी पार्टियाँ इतनी सरगर्म है कि बिल्कुल बंदा एक बात कर ले वो उसके पीछे पड़ जाए। सही है। और मोहम्मद कासिम साहब जो है वो ऐसी बातें कर रहा है, इतनी बड़ी चीज़ें बता रहा है, चीज़ें बता आगे होने वाले वाक्यात के बारे में कोई यकीन नहीं कर रहा। सर्च कर रहा हूँ कि उलमा में से एक आलिम ने भी इसका जवाब नहीं दिया, कम से कम बिल्कुल सर्च भी नहीं किया। मेरा अपना भाई आलिम है, अच्छा, मैंने उसको कहा था, उसने खामोशी बिल्कुल अख्तियार करी। अच्छा। ये भी नहीं कहा कि सही, ये भी नहीं कहा कि गलत है। अल्लाह ताला हक दिखाया उसको, अल्लाह ताला सबको हिदायत का रास्ता दिखाया। सही है। तो इनके ख्वाबों में और अल्लाह ताला का पैगाम जो आप को क्या लगता है, क्या पैगाम दे रहे हैं अल्लाह हमें? सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि अब वक्त ऐसा वक्त आ गया कि फितनों से भर गया। सही है। और जैसे कि मोहम्मद कासिम भाई बात कर रहे हैं कि शिर्क बहुत ज़्यादा, हमें तो अभी तक तो शिर्क की अकसाम भी पता नहीं। ओ बिल्कुल सही, उसको बताया गया। तो यही बताना चाहता है ख्वाबों में कि इन चीज़ों से बचा जा सके तो अल्लाह ताला का सिर्फ यही कोशिश होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी इस तरीके से गुजार दे कि वो जन्नत में अपने आप को पहुँचे। तो मोहम्मद कासिम की जो ख्वाब है वो 100% यही बात करती है कि अल्लाह से जोड़ लें अपने आप को, अल्लाह ताला से जोड़ लें, जन्नत का रास्ता है क्या, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही, पाकिस्तान की किस तरह नूर भाई। और बस मैं ये थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो हैं ये बताएं लोगों को कि और पैगाम भी दे दें आखिर में क्या देना चाहते हैं आप लोगों को इसी तवस्सुल से, और बता दें कि यार ये कोई फितना है, लोग कहते हैं बस ऐसे ही छोड़ते साथ ही बगैर कुछ आप सोचे समझे पढ़े बगैर ही देखे बगैर ही ये बात कर देते हैं, तो ऐसा आप क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं शेयर करता रहता हूँ लोगों के साथ, ठीक है, और आम लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूँ, उलमा के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बड़े बड़े उलमा जो होते हैं तबलीगी हज़रात होते हैं मेरे। अच्छा माशाल्लाह। अमीर साहब हैं, अमीर अब्दुल कायर साहब है, अच्छा लोरलाई से, अच्छा उसने तकरीबन 12 ममालिक का सफ़र किया है तबलीग में। अच्छा, इंडोनेशिया मलेशिया सब जानते रहते हैं। सही है। मैंने उससे शेयर किया था, मैं बड़े बड़े लोगों से शेयर करता हूँ ताकि वो रिसर्च कर लो जल्दी जल्दी अपने नतीजे तक पहुँचे। सही है। क्योंकि कल फिर वो भी काम आएंगे, कल वो भी काम आएंगे इसका। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे। आपने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि लोगों को पैगाम दे रहे हैं। और एक ये चीज़ है, सबसे पहले आप बता देते हैं तो बिल्कुल लोग उसको बात को इग्नोर कर देते हैं, कुछ वक्त के बाद उस फिर थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर रिसर्च शुरू कर देते, अल्लाह ताला उसको कर दिखा देता है। सही है। तो बस वो पैगाम आप लोगों को क्या कहेंगे? बस क्या मैं ये पैगाम दूंगा कि जिसको इसकी हकीकत मालूम हो जाए वो जल्द अज जल्द दूसरों तक पहुँच जाए ताकि जल्दी जल्दी शिर्क से बचा जा सके, जल्दी जल्दी उन खतरात से बचा जा सके जो अपने आप को जो है तैयारी कर सकें जो आने वाले वाकयात के हवाले से। सही है। और बहुत आपका बहुत शुक्रिया नूर भाई। मेहरबानी। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर।